हाँ जी, तो अगर आप लोग DTU या फिर NSIT, NSUT या फिर IGTUW में एडमिशन लेना चाहते हो BBA कोर्स के लिए, तो BBA कोर्स की फॉर्म आ चुकी है। मैंने प्रीवियसली भी बताई थी, मैं ब्रोचर का वेट कर रहा था, बट अभी तक DTU की ब्रोचर नहीं आई है। बट इस बार आप लोगों को NSUT के साइट से ही रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड इस बार NSUT की कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी है, तो इस वेबसाइट की मैं लिंक डाल दूंगा। तो NSUT पे मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वे देख सकते हो। उसमें जो मैंने वेबसाइट बताई है वहीं से आपको रजिस्टर करना है। एंड अगर आप लोग DTU के लिए भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग इसी से ले सकते हो। तो CMAC की वेबसाइट है कॉमन मैनेजमेंट, तो यहीं से आपको अपनी फॉर्म फिलअप करनी होगी। जैसे ही आप लोग इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको, जब आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, तो आपको यहाँ से प्रायोरिटी भी पूछी जाएगी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखना है, सेकेंड पर क्या रखना है, एंड थर्ड पर। तो अगर आप लोग DTU में फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो तो आप लोग फर्स्ट पे DTU लिख सकते हो, सेकेंड पर आप NSUT रख सकते हो, एंड अगर आप लोग गर्ल्स हो तो आप लोग IGTUW रख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ वुमेन्स कॉलेज है। एंड NSU एंड DTU के लिए आपको यही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, आप कोई अप्लीकेशन फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं आएगी। यही अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको तीनों यूनिवर्सिटी में BBA कोर्स के लिए एडमिशन होगा। एंड अर्लियर जो होता था कि DTU से फॉर्म आती थी, बस इस बार NSUT कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी है, दैट्स वाई इसी की वेबसाइट से आपको फिल करना होगा। एंड काउंसलिंग वगैरह जो हो मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, अभी तक तो वो नहीं रिलीज हुई है, जब भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। एंड अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की भी ट्यूटर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हो।